मेरे परिवारजनों, भाजपा का प्रयास सिर्फ सुविधाएं जुटाने का सीमित नहीं है। हम गरीब एससी एसटी ओबीसी परिवारों को उनकी शिक्षा और कौशल के लिए भी अवसर दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता उनके लिए तो अपने बेटे बेटियों से आगे कुछ दिखता ही नहीं है। उनको अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता होती है, मेरे लिए तो आप सब मेरे परिवारजन है। आपके बेटे का कल्याण वही तो मेरे देश का कल्याण है। आज भी यहाँ एमपी में कांग्रेस में यही खेल चल रहा है। गांव का, गरीब का, दलित पिछड़े आदिवासी परिवार का बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पा रहा। कांग्रेस को परवाह ही नहीं थी। कांग्रेस ने अंग्रेजी में मिडिल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को अनिवार्य बनाया। मोदी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आया ताकि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। हमने स्थानीय भाषाओं में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प दिया। इसमें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कांग्रेस की सोच क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। कांग्रेस ने कर्नाटका में सरकार बनाते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रोक लगा दी। वो नहीं चाहती कि गरीब के आगे बढ़ने के रास्ते में भाषा की दीवार खत्म हो। कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीब को स्कूल से ही लैब की ट्रेनिंग मिले। कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे भी स्पोर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में आगे आए। यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मौका मिला तो उसका हर फैसला गरीब के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए होगा। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है।